हमीरपुर जिले के मौदाहा डैम का जल स्तर ओवरफ्लो का निशान पार कर गया है, जिस कारण डैम के पास बसे गांव में डैम का पानी भर रहा है और गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। तो वहीं डैम के आसपास की सैकड़ों बीघा खड़ी फसल पानी में डूब रही है। डैम में अचानक बड़े पानी के जल स्तर से क्षेत्रीय लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बुंदेलखंड का हमीरपुर जिला हमेशा से सूखे की मार झेलता रहा है, चाहे वो ओलावृष्टि हो या कोई दैवीय आपदा। फिलहाल मैं इस वक्त मौदाहा डैम में खड़ा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मौदाहा डैम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आज की डेट में 45 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। फिलहाल यहाँ के जिम्मेदारों से हमने बात की तो यहाँ के जो स्थानीय निचले स्तरों पर जो किसान अपनी फसल बोए हुए हैं, उनका आरोप है यहाँ पे जो सही समय पे पानी न छोड़ी जाने की वजह से उनकी फसलें खराब हो गई है। फिलहाल हमने जब जिम्मेदारों से बात की तो जिम्मेदारों का कहना है कि उनकी ही जमीन है जिस पर वो अपनी फसल बोए हुए हैं, लेकिन जो किसानों का आरोप है कि वो फसल उनकी ही है। फिलहाल एक ये एक जांच का विषय है, लेकिन अब देखना यह होगा कि उनका जो मुआवजा है, सही मुआवजा वो उनको मिल पाता है या नहीं। दिनेश के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर। पानी कल छोड़ा गया है, हमारा डैम जो है वो पूर्ण क्षमता से भर गया था। इसके बाद हमने पानी डाउन स्ट्रीम में बिरमा नदी में छोड़ रहे हैं लगातार। जो गांव भरे हुए, जो भी गांव में पानी जा रहा है वो ध्रुव स्तर में ही है, हमारा ध्रुव स्तर ही है वो। तो बाकी हमारा उसमें कोई दिक्कत, पानी जो जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है।